तो दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट शॉपिंग साइट में कोई भी ऑर्डर परचेस करते हैं और उस ऑर्डर को परचेस करने के दौरान अगर आपने कोई यूपीआई को यूज़ किया है, डेबिट कार्ड वहां पे ऐड किया है या बैंक अकाउंट को आपने वहां पे लिंक करके रखा हुआ है, तो उसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट जो एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर से आपको लॉग इन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। जब आप यहाँ पर लॉग इन कर लीजिएगा तो अकाउंट वाले सेक्शन में जाइएगा तो आपका यहाँ पे लॉगिन देखने मिलेगा, आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे में जाते हैं तो एक ऑप्शन मिलेगा सेव कार्ड एंड वॉलेट का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर सबसे पहले ऊपर में देखें तो आपको सेव कार्ड का ऑप्शन देखने मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है सेव योर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फास्टर पेमेंट योर कार्ड आर सिक्योर विथ अस। तो आपको क्या करना है, अगर आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड किया हुआ है यहाँ पे, अगर बैंक अकाउंट भी आपने ऐड करके रखा हो तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अभी आप यहां पे देख सकते हैं मेरा इसमें यूपीआई ऐड करके रखा हुआ है, मैंने यूपीआई से पेमेंट किया है। और अगर आप यहां पे यूपीआई से पेमेंट करते तो आपका भी यहां पे यूपीआई शो हो जाएगा। तो जो आपको यूपीआई शो हो रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने बाद जैसे आप यहां पे देखें तो आपका यहां पे यूपीआई देखने मिलेगा और यहीं पर आपको डिलीट यूपीआई वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है आर यू श्योर, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट दिस यूपीआई। तो अगर आपको अपने यूपीआई को डिलीट करना है तो देन आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना। कंफर्म पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो आपका यूपीआई ऐड किया हुआ है वो आपका डिलीट हो जाएगा। और उसी प्रकार आप डेबिट कार्ड बैंक अकाउंट को भी डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।